Painting our first chapter, Art of the Indus Valley Civilization. Join us with the Varma classes. My contact number 8700885828. So first of all, we are discussing about the Indus Valley. Indus is the name of river. जैसे गंगा यमुना नदियों के नाम है, ऐसे ही इंदस यानी सिंधु भी नदी का नाम है. उस नदी के किनारे सबसे पहली एक सभ्यता का विकास हुआ था, जिसे हम बोलते हैं सिविलाइजेशन. The first discoveries of the Indus Valley civilization was made at the site of Harappa near Sindh province, now in Pakistan. यानी नदी के किनारे ये दो बड़े बड़े शहर मिले, एक का नाम था हड़प्पा, दूसरे का नाम था मोहनजोदारो. दोनों के दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रोविजन के आसपास मिले. उस हड़प्पा का जो पार्ट है, आपने एक मूवी भी देखी होगी मोहनजोदारो, जिसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से एक पुराना शहर था, वो नदी का पानी रोक के उसमें से सोना इकट्ठा करते थे. और उस समय की अपने आप में ये एक लार्जेस्ट सिविलाइजेशन थी. तो ज़मीन वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक बार ब्रिटिशर्स जो थे वो रेलवे ट्रैक बनवा रहे थे. तो रेल ट्रैक जब बन रहा था तो वहाँ पे जब खुदाई हुई तो उसमें कुछ लोगों को ईंटें मिली. तो जो वहाँ के जो मज़दूर थे उन्होंने देखा कि भाई इसके नीचे से ईंटें मिल रही हैं. तो उन्होंने ये बात अपने जो सीनियर्स थे उन्हें बताई. तो वहाँ पे दयाराम साहनी गए 1921 में. उन्होंने पूरे पूरे शहर को खोद के निकाल डाला. तो जब ही से इंदस वैली सिविलाइजेशन की बात आती है, जो इंदस वैली सिविलाइजेशन है भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है. लॉट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस साइट ड्यूरिंग एक्सकवेशन. जब वहाँ से खुदाई हुई तो बहुत सारी चीज़ें आर्ट और क्राफ्ट की वहाँ से मिली थी. दीज इंक्लूड द स्टैचूज, टॉयज, सील्स. वहाँ से स्टैचूज मिले, टॉयज मिली, सील्स मिली, ज्वेलरी मिली थी, पॉटरी टूल्स मिले थे. मोस्ट स्कॉलर्स, स्कॉलर मतलब होते हैं विद्वान, बिलीव डैट सिविलाइजेशन हैज़ फ्लॉरिश बिटवीन द 2500 BC टू 1750 BC. यहाँ पे एक बात आती है, इस बीसी का मतलब क्या है. बीसी का मतलब होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. तो हेयर द बीसी मीन्स द बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट. क्लियर. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन द लर्नर विल बी एबल टू, इसे पढ़ने के बाद आप इन सबको समझने लग जाएंगे, नो अबाउट द डेट ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है डेट की. तो जीरो सेंचुरी, आज 2022 चल रहा है, एक डेट ऐसा होगा जब सेंचुरी 000 रहेगा. लेकिन क्या धरती केवल 2022 साल पुरानी है? नहीं, धरती का इससे ऊपर का जो इतिहास चलेगा, यानी कि जीरो से पहले का, उस ऑल टाइम को हम बीसी बोलते हैं, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. क्लियर. तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रहा है 2500 BC, यानी 2500 ये, 2022 ये, यानी 4722 साल पुरानी इस सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली, तो आप देखिए, फर्स्ट थिंग ये थी, ये एक मदर गॉडेस बोलते हैं इसको. आप इस पूरी की पूरी फिगर को ध्यान से देखें तो ये ऊपर एक मूर्ति का बाउल है. इस बाउल के अंदर बेसिकली दीपक रखे जाते थे, ये दीपक हैं. क्लियर. इसमें लौ लगा के तेल लड़के आग लगाई जाती थी. ये इनका मुँह, इसने बहुत सारे ज्वेलरी पहन रखी है. इनका एक हाथ गायब है, ये मिनी स्कर्ट इन्होंने पहनी हुई है, और एक ये बेल्ट है जो स्कर्ट को रोक रही है. क्लियर. दूसरी ये जो है, इसमें इमेज क्लियर नहीं है, ये अपनी बुक्स में देखेगा, ये बुल सील है. वहाँ पे बहुत सारी सील्स मिली हैं, और कुछ किसी सील पे पशुपतिनाथ बना हुआ था, किसी पे घोड़ा बना हुआ है, किसी पे बैल बना हुआ है. तो ये सील्स वहाँ से मिली है. तो ये जो सेकेंड सील आप पढ़ रहे हैं, इसे बोलते हैं सील ऑफ दी, सील विद द बुल डिज़ाइन. क्लियर. सील विद द बुल डिज़ाइन. तो ये सब आप इसके अंदर पढ़ेंगे. तो मदर गॉडेस, सेकंड नंबर पे बुल सील आया. तो वो क्या कहता है, सील विद द बुल डिज़ाइन. इसका जो टाइटल है वो सील विद द बुल डिज़ाइन, मीडियम द स्टेटाइट. डेट इसका हड़प्पा पीरियड, अभी मैंने बता दिया. फाइंडिंग साइट मोहनजोदारो विच इज़ द पाकिस्तान. साइज दिया है, आर्टिस्ट इज अननोन. सो क्वेश्चन इज, द सील इज मेड आउट ऑफ द स्टेटाइट एंड हैज़ एन एलेबोरेट इंटीग्रल डिज़ाइन ऑफ अ बुल. इस पे बुल का डिज़ाइन बना हुआ. द बुल इज रिप्रेजेंट द पावर एंड द स्ट्रेंथ which has been achieved by the excreting the size of the hump and the horns. जो उसके हम्प होते हैं, हम्प मतलब होता है कूबड़, और हॉर्न्स उसके सींगों को देख के पता चलता था कि वो कितना ताकतवर है. द डायगनल लीनियर मोटिव्स ऑन द नेक, गले के आगे उसके मोटी मोटी एक लोई सी लटकी हुई रहती थी जो उसकी एनर्जी को डिफाइन करती थी. देयर आर सम राइटिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द सील, कुछ उसके ऊपर भी लिखा हुआ था, विच आर नॉट येट डिस्क्रिप्टेड, अभी तक वो पढ़ा नहीं जा सका है. द सील इज़ मेड अप ऑफ, किससे बनी हुई थी, स्टेटाइट से बनी हुई थी. द सील वॉज फाउंड एट मोहनजोदारो,
कि वो मिला कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में फाइंडिंग साइट है, क्लियर। और ये है पॉटेड जार जो वहाँ से मिला था। इसी तरीके से आपको इसे पढ़ना है, और कोई भी डाउट इसमें आता है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास आप दोनों ले सकते हैं। सो जॉइन अस फॉर द वर्मा क्लास, डेली शाद्रा।